चलो, गुड मॉर्निंग। फटाफट से बैठ जाओ। हाँ, चलो लाइव में कौन कौन आ गया फटाफट एक बार आ जाओ कमेंट सेक्शन में। जय श्री राम, आज तो राम नवमी भी है। गुड मॉर्निंग अभिषेक, हेलो शंकर। चलो जल्दी जल्दी आ जाओ सारे। हेलो हिमांशु, क्या करने वाले अपन जब तक सब ज्वाइन हो रहे, तब तक यहाँ पे एक बार अपन जरा सा बस 5 मिनट का इंट्रोडक्शन कर लेते अपना एक बार। चलो क्या पढ़ना है अपन यहाँ पे, SBILL या फिर SBEC। लाइव में या यहाँ पे कोई भी अगर ओल्ड वाला हो तो आके बिंदास बैठ सकता है, अपन ओल्ड वाला भी कवर करने वाले इसमें पूरा। चलो जय श्री राम। चलिए अब सबसे पहले यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं, SBIL SBEC वाला पोर्शन अपन स्टार्ट करेंगे। अच्छा, जो ओल्ड वाले रहेंगे उनका ये पोर्शन 3 पार्ट्स में, पार्ट ए बी और सी। क्या कितने मार्क्स का है अभी ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट के लिए भी मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो अब सब कुछ पढ़ना है, बस यही अपना मोटिव है। ये नहीं देखना कि क्या 60 मार्क्स का है, क्या 40 का है, क्या 25 का है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे अपन क्या देखने वाले हैं, पहली चीज समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन कर दो लाइव में, जो लोग नए हो जानते नहीं हो। तो मेरा नाम है CS कीर्ति चतुर्वेदी और मैं आपको कराने वाली हूँ SBIL या SBEC का रिविजन। ओके चलिए। हेलो हर्षिता, आ जाओ सारे। चलिए, वो कहीं रह गया क्या अभिषेक, तो उसको भी बुला लेना। गया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब सबसे पहले अपना जो शेड्यूल है, सबको शेड्यूल पता है क्या है अपना? नहीं पता हो तो शेयर हो जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, वहां से अपन उसका पूरा शेड्यूल देख लेंगे। अभी के लिए अपना आज का जो टारगेट है वो क्या है, सबसे पहले अपन शुरुआत करने वाले अपने पार्ट ए से। पार्ट ए बोल रही हूँ, दोनों का ही पार्ट ए है ना, ओल्ड वाले हो या फिर न्यू वाले हो। ठीक है, चलो पहला चैप्टर जो अपन आज स्टार्ट करेंगे वो कौन सा है, चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और इसी के साइमल्टेनियसली एक चैप्टर अपन और करेंगे जो कि कौन सा है, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। मतलब सबसे पहले अपन क्या देखने वाले हैं कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं और उसको चूज करने के लिए आपको कौन से फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। और उसके बाद अपन क्या करेंगे, इन्हीं अलग अलग टाइप्स को एकदम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो हमारा सबसे पहला जो अपन ये स्टार्ट कर रहे हैं वो कहाँ से है, फर्स्ट वाला चैप्टर, चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, अच्छा जल्दी से अब तुम मुझे बता दो कितने टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। हाँ, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एक तो घिसा पिटा सा कौन सा था, सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, और क्या है, बहुत बढ़िया, HUF होता है, फिर एक आया पार्टनरशिप, फिर LLP कंपनी, ये सारे टाइप्स थे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पहले सबको डिस्कस कर लेते फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले प्रोप्राइटरशिप किसके लिए सूटेबल है, हाँ सिंगल लोगों के लिए ना, जैसे मेरे जैसे लोग है ना। चलो अब अपन समझते पहली चीज, कोई पोपटलाल टाइप व्यक्ति है जिसकी जिंदगी में कोई भी नहीं है, ना किसी के आने की कोई उम्मीद है, उसके लिए कौन सा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट है, सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, या फिर अपने शिवांश को देख लो, जहां दूर दूर तक कोई भी किसी के आने की कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, चलो तो इनके लिए कौन सा अच्छा है, सोल प्रोप्राइटरशिप। पर अच्छा, शिवांश को लगा पर मैम मैं तो CS कर रहा हूँ, मेरे को चाहिए फुल इज्जत, ये प्रोप्राइटरशिप वालों की इज्जत नहीं हो रही थी, तो मैंने इसको क्या ऑप्शन दे दिया अभी एक और, OPC का। OPC क्या है, 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी का मतलब क्या होता है, एक ऐसी कंपनी जिसमें सिर्फ एक सिंगल पर्सन क्या होगा, मेंबर। आई बात समझ में, मतलब इसको एकदम कॉर्पोरेट वाला स्टेटस मिल जाएगा, मगर ओनरशिप पूरी पूरी किसकी है, सिर्फ एक बंदे की। ठीक है, और क्या ऑप्शन है अपने पास में अभी, HUF वाला। अच्छा, HUF क्या होता था, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसके नाम में ही काफी सारी चीजें छुपी हुई हैं। सबसे पहला ये किससे रिलेटेड है, फैमिली बिजनेस से रिलेटेड है, वो भी कैसी फैमिली, जो कि क्या हो, अनडिवाइडेड, मतलब जिनका भी बंटवारा नहीं हुआ हो, है ना। मतलब अगर औलाद नालायक निकल गई, पिताजी ने बोल दिया कि जा भाई तेरे को तुम अपने खानदान से अलग कर रहे हैं ना, आज के बाद तू मेरा बेटा नहीं, तो अब इनकी फैमिली क्या हो गई है, डिवाइड, तो ये धंधा भी क्या हो जाएगा, खत्म। तो अब अपन को समझ में आ गया, HUF में थोड़ी सी समस्या थी कि एक घर के झगड़ों के चक्कर में सीधा असर किस पे पड़ रहा था, हमारे धंधे पे। तो फिर एक कौन सा ऑप्शन निकला, पार्टनरशिप का। क्यों निकला पार्टनरशिप का ऑप्शन, क्योंकि हर किसी के परिवार में इतने प्यारे रिलेटिव्स नहीं होते ना कि जिनके साथ आप धंधा भी चालू कर सके। तो इनको समझ में आ गया कि यार कुछ लोगों के पास ना ऐसे ऑप्शन होने चाहिए कि जहां पे क्या करें, बाहर वालों के साथ में भी बिजनेस कर सकें। तो कौन सा ऑप्शन सामने आ गया, पार्टनरशिप का। पर पार्टनरशिप आया तो वहां पर फिर एक दिक्कत आ गई, कौन सी दिक्कत थी, ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी। क्या होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी में, बताओ बताओ, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या हुआ। हाँ, वो एक ही लाइन बोलते थे अपन, सीधे क्या होगा, अगर कुछ भी फर्म में अगर कोई भी नुकसान हुआ, सीधे बात किस पे आ जाएगी, पार्टनर पे, मतलब उसके घर के बर्तन भांडे भी बिक जाएंगे।
चलो, तो अपन ने यहाँ क्या समझा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि वो बंदा क्या हो जाएगा, पर्सनली लाइबल, पूरा पर्सनली भी लाइबल रहेगा। अच्छा, एक दिक्कत और थी पार्टनरशिप में, वो करे कोई भरे कोई वाली दिक्कत। एक पार्टनर कुछ भी कर्म कांड करके आता है, लाइबिलिटी सबके माथे पे फूट जाती। तो अब ये तो सबसे बड़ी दिक्कत हो गई थी। जैसे शिवांश, इसको पसंद आई एक लड़की, है ना, अब इसने उस लड़की के साथ में क्या चालू कर दिया, अपना पार्टनरशिप में बिजनेस। अब वो छोरी कहीं भी जाके कुछ भी कर्मकांड कर देती और उसके बाद क्या होता, लाइबिलिटी दोनों के माथे आ जाती। अब शिवांश बेचारा परेशान हो गया, इसको लगा यार ये कुछ भी करती रहती है और लाइबिलिटी सारी मेरे सिर पर आ रही है। तो अब इसके लिए कौन सा अच्छा ऑप्शन बताएंगे अपन इसको, कंपनी का। अब कंपनी के अंदर क्या फायदा मिला, पहली चीज यहाँ पे क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गई लिमिटेड, मतलब एक ऑप्शन दे दिया कि आप अपनी लाइबिलिटी लिमिटेड रख सकते हैं, ठीक है। और क्या फायदा मिला, ये प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप की ना इतनी वैल्यू नहीं होती थी क्योंकि इनमें क्या था, ट्रांसपेरेंसी थी नहीं। अब जैसे ही कंपनी आया तो इसको क्या मिल गया, एक अच्छा कॉर्पोरेट स्टेटस मिल गया, सेपरेट लीगल एंटिटी है, अपने आप में आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, मतलब एक कंपनी अपने नाम पे सब कुछ कर सकती है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, सू कर सकती है, कोई इसको भी सू कर सकता है, बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है, प्रॉपर्टी खरीद सकती है, यूज कर सकती है और बेच भी सकती है, मतलब ये सारे काम क्या कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं। आई यहां तक की बात समझ में। चलो, तो अब इतने ऑप्शंस अपने पास में अवेलेबल थे। अब मुझे एक चीज बताओ, जब इतना सब कुछ था तो फिर ये LLP क्यों आया, इसको लाने की क्या जरूरत थी। अब देखो, एक दिक्कत थी पार्टनरशिप में किस चीज की, अनलिमिटेड लाइबिलिटी की, जिसको सॉल्व किसने कर दिया, कंपनी ने। तो जब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो नया कंसेप्ट लेके क्यों आए, क्या इनको अपनी बुक मोटी करना था, बस यही उद्देश्य था इनका, नहीं। अब समझो, कंपनी वाले फॉर्म में आपने एक प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी पर एक दिक्कत अभी भी थी, इसमें खर्चा बहुत हो रहा था। और अपने भारतीय लोग सिंपल से लोग हैं, हमें कौन सी चीज अच्छी लगती है, जो सस्ती हो, हम सस्ते सुंदर के ही बिलीव रखते हैं। तो अब इन्होंने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा कौन सा, LLP का। और ये LLP क्या था, अपना चोरी का कंसेप्ट। चोरी का कंसेप्ट क्यों बोला इसको, थोड़े फीचर चुराए किसके, पार्टनरशिप के, और थोड़े फीचर चुरा लिए किसके, कंपनी के, और दोनों को मर्ज करके क्या बना दिए, एक LLP। मतलब अब कम दाम पे आपको एक कॉर्पोरेट स्टेटस एंजॉय करने को मिल जाएगा, प्लस इसमें क्या है, पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी। आगे यहां तक की बात समझ में। चलो, अब यहां से अपन स्टार्ट करते हैं आगे। सबसे पहली चीज हमें इस चैप्टर में देखना क्या है, हमें ये करवाने वाले चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जब कोई धंधा चालू करने वाला है, जैसे मान लो तुम CS बन गए हो, अभी तुम्हारे पास कोई क्लाइंट है और आके तुमसे पूछता है कि साहब मेरे को धंधा चालू करना है, बताओ क्या करना चाहिए, प्रोप्राइटरशिप करूं, पार्टनरशिप करूं, HUF करूं, LLP करूं, या फिर कंपनी करूं, तो उसके लिए पहले तुम्हें भी तो पता होना चाहिए ना कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अपन वो भाई साहब से पूछेंगे यहाँ पे। चलो, तो अब एक एक करके अपन स्टार्ट करते हैं, कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि हमें ये चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के टाइम कंसिडर करने हैं। सबसे पहला फैक्टर क्या है, अच्छा जब भी हम किसी को चुनते हैं हम सबसे पहली चीज क्या देखते हैं, सामने वाले का नेचर कैसा है। बिल्कुल वैसे ही जब हमें चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करनी तो हम सबसे पहली चीज क्या देखेंगे, नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, सामने वाले बंदे को काम किस नेचर का करना है, उसी के हिसाब से अपन क्या करेंगे, उसको सजेस्ट कर पाएंगे। चलो, पहली चीज, अगर किसी को एक छोटी मोटी गली में किराने की दुकान डालनी, कोई पर्सनल सर्विसेज देनी, तो अपन उसको कौन सा सजेशन देंगे यहाँ पे, सोल प्रोप्राइटरशिप का, ठीक है। नेक्स्ट चीज, अगर उसको थोड़े से बड़े लेवल पे काम करना है, कुछ ट्रेडिंग का काम कर रहा है, कुछ कंसल्टेंसी का काम कर रहा है, छोटा मोटा होटल रेस्टोरेंट कैफे खोला, तो अपन कौन सा ऑप्शन देंगे उसको, पार्टनरशिप का। नेक्स्ट चीज, अगर उसको चाहिए एक सेपरेट लीगल एंटिटी वाली चीज, तो अपन क्या सजेस्ट कर सकते हैं, या तो LLP या फिर कंपनी। मगर कंपनी अपन कब सजेस्ट करते हैं, जब इनको क्या करना हो, बड़े लेवल पे बिजनेस करना। आई बात यहां तक की समझ में। तो सबसे पहला फैक्टर जो कंसिडर किया जाएगा वो कौन सा है, नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। यहां तक समझे, चलिए अब अगली चीज अपन क्या देखेंगे, स्केल ऑफ ऑपरेशंस। ये क्या चीज है, स्केल ऑफ ऑपरेशन, कौन किस स्केल पे काम कर रहा है, किस स्केल पे, यानी कांच की स्केल पे, लकड़ी की स्केल पे, ऐसा कुछ है क्या, नहीं। क्या है यहाँ पे स्केल का मतलब, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, लार्ज स्केल, किस लेवल पे आप काम कर रहे हैं। चलो, तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि अगर आपको एकदम स्मॉल स्केल पे काम करना है, छोटे लेवल पे काम करो, तो कौन सा ऑप्शन अच्छा है, सोल प्रोप्राइटरशिप। और एक चीज याद रखना, जब जब अपन सजेस्ट करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप का, उसी के साथ साइमल्टेनियसली अपन कौन सा सजेशन देते हैं, OPC का। और जब जब पार्टनरशिप का सजेशन देते हैं, साथ में किसको सजेस्ट कर देते अपन, LLP। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलो, अब नेक्स्ट चीज बताया, ना ज्यादा छोटे लेवल पे बिजनेस कर रहे हो, ना ही ज्यादा बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हो, तो उस केस में कौन सा अच्छा ऑप्शन है, पार्टनरशिप या फिर LLP। और बहुत बड़े लेवल पे करना है काम, तो कौन सा अच्छा ऑप्शन है, कंपनी।
आई बात समझ में? चलो अब यहीं से इन्होंने एक चीज बता दी कि हमारे यहाँ जो बिजनेस का क्लासिफिकेशन हो किस हिसाब से होता है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम, मतलब ये एमएसएमई सुना होगा तुमने, एक चैप्टर भी न्यू वालों को, तो चलो तो ये एमएसएमई में क्या बता के रखा था, किसको मानते अपन माइक्रो एंटरप्राइज, ऐसी कोई एंटरप्राइज जिसमें अपन दो चीज की लिमिट देखते हैं, एक किसकी है प्लांट एंड मशीनरी में कितना इन्वेस्टमेंट करा और दूसरा क्या था टर्नओवर का। सबसे पहला माइक्रो किसको माना जाएगा, जब आपका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट कितना है 1 करोड़ तक का और टर्नओवर कितना है 5 करोड़ तक, यहां तक समझे? चलो नेक्स्ट चीज स्मॉल किसको माना जाएगा, जिसमें इन्वेस्टमेंट कितना करा था 10 करोड़ तक का और टर्नओवर कितना था अपना 50 करोड़ तक का। और मीडियम किसको माना, जिसमें इन्वेस्टमेंट करा 50 करोड़ तक का और टर्नओवर कितना है 250 करोड़ तक का। तो ये क्या होती है अपनी एमएसएम, यहां तक समझ गए अपन बार? चलिए तो ये क्या था अपना स्केल ऑफ ऑपरेशन। तो अगर आपका एरिया ऑफ ऑपरेशन छोटा है ना, छोटे मोटे सिर्फ लोकल मार्केट कवर करते हो, तो कौन सा अच्छा ऑप्शन रहेगा, सोल प्रोप्राइटरशिप ओपीसी। थोड़ा सा बड़े लेवल पे काम करना लो है ना, बाहर भी जाओगे किसी दूसरे एरियाज में, तो कौन सा अच्छा ऑप्शन रहेगा फिर, पार्टनरशिप या फिर कंपनी एलएलसी। यहां तक समझ गए पूरा? चलिए अब तीसरी चीज जो यहाँ पे कंसिडर की जाएगी वो है सबसे मेन चीज। क्या है वो सबसे मेन चीज, पैसा। सबसे इंपॉर्टेंट है धंधे में। चलो अगर आपको चाहिए ढेर सारा पैसा धंधा करने के लिए, तो क्या मैं आपको प्रोप्राइटरशिप सजेस्ट करूंगी, क्या नहीं, क्योंकि ढेर सारा पैसा क्या मैं जेब में लेके घूम रही हूँ क्या, नहीं, मेरे पास तो नहीं है। अच्छा दोस्तों से मांग लूँ तो वो तो खुद ही फटीचर, उनसे क्या लूंगी मैं। तो अब अपन को एक चीज समझ में आ गई, ये पैसा मुझे कहाँ से रेज करना पड़ेगा, पब्लिक से। मगर पब्लिक से पैसा रेज करना, उसके लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन लगेगी मुझे, कंपनी। तो अगर मुझे हैवी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है तो मेरे लिए कौन सा ऑप्शन सूटेबल होगा, कंपनी का, ठीक है। नेक्स्ट चीज, अगर छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट चाहिए मुझे, स्मॉल कैपिटल है, तो उस केस में मैं क्या कर सकती हूँ, प्रोप्राइटरशिप या फिर ओपीसी वाले ऑप्शन पे भी जा सकती हूँ, ठीक है। चलो यहां तक समझ गए अपन। अब प्रोप्राइटरशिप में देखा जाए तो क्या बोल रहे हैं, प्रोप्राइटरशिप में इंसान अपना खुद का पैसा लगाता है, प्लस वो चाहे तो क्या कर सकता है, अमाउंट रेज कर सकता है बोरोइंग से भी। मगर एक चीज हम जानते हैं, लोग ज्यादा भरोसा किसके ऊपर करेंगे। मैं अगर तुमको बोलूं एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर दो, और मैं तुमको एक ऑप्शन दूं या तुम किसी कंपनी के शेयर खरीद लो, तुम क्या करना चाहोगे? ऑब्वियस सी बात है, कंपनी के शेयर। ऐसा क्यों? हाँ, एक भरोसा है, पता है ना कि इसकी सारी डिटेल्स अपने पास में पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, इसीलिए तुमको उस पर ज्यादा भरोसा है। तो यहाँ पे क्या समझा अपन कि एक प्रोप्राइटरशिप में वैसे भी क्या है, एडिशनल कैपिटल के लिए आप क्या कर सकते हैं, बोरोइंग कर सकते हैं, पर एक दिक्कत हमेशा रहेगी कि इनके ऊपर भरोसा थोड़ा कम किया जाता है, ठीक है। चलो अब अगली चीज यहाँ पे क्या आ रही है अपने पास में, मैनेजरियल एबिलिटी। ये क्या चीज है बताओ? अच्छा, अगर मैं सोचूं मुझे बहुत बड़े लेवल पे काम करना है, मेरे यहाँ ही प्रोडक्शन होगा, फिर उसकी मैं सेल्स करूंगी, मार्केटिंग करवाऊंगी, सब सारी चीजें यहीं पे होंगी, फिर पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट भी यहीं होगा, और मैंने खोल लिया एक सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस। अब मैं बांडिया तो हूं नहीं कि मैं, मेरे को सब आता है, ऐसा तो है नहीं यहाँ पे सीन। एक बंदा क्या सारी चीजों में एक्सपर्टीज रख सकता है क्या? नहीं, अनलेस वो रजनीकांत, तो बात अलग है, वरना एक बंदे में तो सारी क्वालिटी नहीं आ पाएगी। तो यहाँ पे इनको एक चीज समझ में आ गई, सोल प्रोप्राइटर के पास में ना सारी एक्सपर्टीज नहीं होती है, फॉर दैट रीजन वो आउट हो गया है यहाँ से। चलो तो इन्होंने क्या बोला, इनके पास सारे फंक्शनल एरियाज में एक्सपर्टीज नहीं है, तो इस कारण से हमने क्या बोला कि इनको प्रोफेशनल मैनेजमेंट की जरूरत नहीं रहेगी। अब समझो, धर यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं, पार्टनरशिप या कंपनी की बात करें तो पार्टनरशिप और कंपनी में क्या हो रहा है, डिवीजन ऑफ वर्क हो जाता है, मतलब अलग अलग पार्टनर्स हैं, किसी एक को सेल के काम पे लगा दिया, किसी एक को प्रोडक्शन मैनेज करने में लगा दिया, कोई एक मार्केटिंग कर रहा है, मतलब यहां पे क्या हो गया, काम डिवाइड हो गया। तो यहां इन्होंने क्या बोला कि इधर जो भी पार्टनरशिप या कंपनी, इनमें क्या हो जाता है, डिवीजन ऑफ वर्क हो जाता है, जिसके चलते क्या होता है, जिसका जो स्पेशलिटी वाला एरिया है वो वाला काम उठा लेता है, ठीक। मगर इन सबसे एक दिक्कत होती है, जब भी कोई फैसला लेना हो तब भी तो दिक्कत आएगी ना, जब तक सारे हाँ नहीं बोलेंगे तब तक फैसला भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब कंपनी की अगर अपन बात करें तो इन्होंने क्या बोला कि कंपनी, अगर आपको अलग अलग हर लेवल पे प्रोफेशनल मैनेजमेंट चाहिए, अब अगर मैं सोचूं कि मैं एक छोटी सी किराने की दुकान ओपन करूं, फिर वहां पे मैं ऐसे अलग अलग बंदे रखूं, एक बंदे को रखा मैंने फाइनेंस का काम देखने के लिए, फिर एक बंदा है जो मार्केटिंग करता है, फिर एक बंदा है जो क्या करेगा, सेल्स करेगा, एक बंदा सारे सामान उठा उठा के लाएगा,
इतने लोगों को क्या मैं प्रोप्राइटरशिप में मैनेज कर पाऊंगी क्या? नहीं। तो यहां पे अपन एक चीज समझ गए, कंपनी बेटर अल्टरनेटिव अगर आप क्या चाहते हैं, प्रोफेशनल मैनेजमेंट एट वेरियस लेवल्स। अलग अलग लेवल पे आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट चाहिए तो कौन सा ऑप्शन अच्छा है? कंपनी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या आती है, अपन देखते हैं डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट? मैं किसके साथ कंट्रोल और मैनेजमेंट शेयर करना चाहती हूँ? अगर मुझे पूरा धंधा अकेले करना था तो फिर कौन सा ऑप्शन अच्छा है मेरे लिए? प्रोप्राइटरशिप। पर मैं चाहती हूँ कि मैं क्या करूँ, कंट्रोल को बांट लूँ अलग अलग लोगों में, तो कौन सा ऑप्शन अच्छा है मेरे लिए? या तो पार्टनरशिप या फिर कंपनी। आइए चीज समझ में। चलो अब नेक्स्ट आता है कौन सा, इसमें डिग्री ऑफ रिस्क एंड लाइबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ, क्या मैं पूरी की पूरी रिस्क खुद से लेने को रेडी हूँ क्या? अगर रेडी हूँ तो कौन सा ऑप्शन अच्छा है? प्रोप्राइटरशिप। मगर मैं चाहती हूँ बाबूराव जैसा बनना, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का बाबा, तो फिर कौन सा ऑप्शन अच्छा है मेरे लिए? या तो पार्टनरशिप कर लूँ ताकि रिस्क डिवाइड हो जाएगी, या फिर मैं कौन सा ऑप्शन पे चली जाऊँ? कंपनी पे, क्योंकि वहां पे मेरी रिस्क कैसी हो जाएगी? लिमिटेड, जितना मेरा शेयर उतनी मेरी रिस्क। चलो यहां तक समझ गए। अब नेक्स्ट क्या आता है यहाँ पे, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब क्या हो गया, अच्छा सबसे ज्यादा ईजी और फ्लेक्सिबल चीज कौन सी होगी? सोल प्रोप्राइटरशिप, सारी चीजें आपको अकेले करना है। ठीक है, अच्छा थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स कहाँ पे होगा? पार्टनरशिप में, क्योंकि सबकी परमिशन लेनी पड़ेगी। और सबसे ज्यादा रिजिड कहाँ पे होने वाला है? ये कंपनी। यहां तक समझा अपन? नेक्स्ट आता है कौन सा, डिविजन ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब क्या हो गया, पूरा का पूरा प्रॉफिट मेरे को लेके जाना है, कौन सा ऑप्शन अच्छा है? और एक और कौन सा, ओपीसी। ठीक है, बांटने को रेडी हूँ प्रॉफिट, तो कौन सा ऑप्शन अच्छा है? पार्टनरशिप, ठीक है, या फिर कंपनी। चलो कंपनी में जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है मेंबर्स में, उसको क्या बोला जाता है? डिविडेंड। बहुत बढ़िया, चलो यहां तक समझ गए पूरा। अब अगला वाला फैक्टर कौन सा बताया है, कॉस्ट प्रोसीजर एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन। सबसे पहली चीज यहां पे अपन देखते हैं कॉस्ट, ज्यादा खर्चा नहीं करना मेरे को धंधा चालू करने में, कौन सा ऑप्शन अच्छा है? प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, मैं थोड़ा बहुत खर्चा करने को रेडी हूँ, कौन सा अच्छा रहेगा? पार्टनरशिप, मैं तो बेहिसाब खर्चा करने को रेडी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लगाओ जितना पैसा लगवाना है। अब कौन सा ऑप्शन पे जा सकती हूँ? कंपनी पे, क्योंकि कंपनी बनाने की कॉस्ट क्या होगी इन सबके कंपेरिजन में? हाई। ठीक, नेक्स्ट प्रोसीजर, सबसे ईजी कौन सा धंधा स्टार्ट करना है? सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोसीजर होता ही नहीं है। पार्टनरशिप में देखा जाए तो रजिस्ट्रेशन कराना है, मगर वो भी क्या है, ऑप्शनल है, करवाना है तो करवाओ, नहीं कराना है तो मत करो। ठीक है, और अगला क्या है, कंपनी, यहाँ तो प्रोसीजर बहुत ही टफ और कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, गवर्नमेंट के रेगुलेशन, अच्छा सरकार ज्यादा टांग किसके मामले में अड़ाएगी? कंपनी के मामले में, क्योंकि हम भी जानते हैं कंपनी की हर चीज कहाँ पे अवेलेबल है, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। क्या इन्होंने अपनी मर्जी से डाली होगी कि वहां पे इन्फॉर्मेशन? नहीं, इनके पीछे सरकार डंडा लेके लगी थी कि इन्फॉर्मेशन अपलोड करो, नहीं तो क्या लगा देंगे, पेनल्टी। मतलब सरकार कंपनी के केस में क्या करती है, सबसे ज्यादा रेगुलेशन डालती है। अच्छा अगर मुझे सरकार का इतना इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, तो फिर कौन सा ऑप्शन अच्छा है मेरे लिए? प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप। आई बात समझ में? चलो, क्योंकि कंपनी में हम जानते हैं इनको हर साल क्या करना पड़ता है, रिटर्न्स वगैरह भी फाइल करने पड़ते हैं, जबकि प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्लियर यहां तक है पूरा? चलो लाइव वाली जनता यहां तक समझ गए ना सब? गुड मॉर्निंग प्रतीक, गुड मॉर्निंग राधिका, चलिए जल्दी से बता दीजिए यहां तक सभी को क्लियर। ओके चलो अब बढ़ते अपन आगे। नेक्स्ट क्या है अपने पास में, टैक्स इम्प्लीकेशन। टैक्स इम्प्लीकेशन का मतलब क्या हुआ, हाँ अब मुझे चाहिए कि मेरे पास कम से कम टैक्स की लाइबिलिटी आए, तो कौन सा ऑप्शन अच्छा है मेरे लिए? सोल प्रोप्राइटरशिप। अच्छा सोल प्रोप्राइटरशिप में एक फीचर था, यहाँ पे टैक्स के लिए कोई अलग से रिटर्न जा रहा था क्या? नहीं, यहाँ पे क्या बोला था, जो प्रोप्राइटर का रिटर्न है उसी में क्या होगा, इनकम टैक्स का रिटर्न, जो भी प्रोप्राइटरशिप फर्म का उसका रिटर्न भी चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा बताया यहाँ पे, पार्टनरशिप, इसमें क्या होगा, अब पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, फिर LLP हो, इन सब पे टैक्स कैसे लगेगा? स्लैब्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये स्लैब्स कहाँ बता के रखी हुई हैं? इनकम टैक्स एक्ट में। चलो यहाँ तक डन। अब अगला क्या आता है यहाँ पे, ज्योग्राफिकल मोबिलिटी। ये क्या चीज़ है अभी, ज्योग्राफिकल यानी यहाँ पे किसकी बात हो रही है? एरिया की। ठीक है, चलो अगर मुझे डील करना है कोई भी पेरिशेबल आइटम में, जैसे मान के चलते हैं मैं बनाती हूँ बूंदी के लड्डू, मेरी दुकान है ना, अब वहां मैंने बनाए बूंदी के लड्डू, अब इन लड्डुओं को मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से मैं भेजा करूंगी कनाडा, वहां पहुंचते तक ये
बचेंगे क्या, मतलब या तो रास्ते में कोई खा लेगा या फिर ये खराब ही हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। चलो तो अपन यहाँ क्या समझे, ये चीज़ कैसी थी, पेरिशेबल थी। तो अगर मेरा काम कैसा है, पेरिशेबल टाइप है या फिर कोई सीजनल प्रोडक्ट्स हैं, तो उसके लिए क्या मुझे बहुत बड़े लेवल पे से कंपनी अपनी बनानी चाहिए क्या, अभी नहीं। तो अब अपन समझे एक चीज़, अगर आपको लोकल मार्केट में डील करना है या फिर कोई सीजनल पेरिशेबल आइटम में डील करना है, तो कौन सा ऑप्शन अच्छा आपके लिए, प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप। जबकि अगर आप चाहते हैं कि आप एक बड़ा मार्केट कवर करें, मैं सिर्फ इंदौर में नहीं, मैं तो पूरे इंडिया में सप्लाई करूंगी, इवन मैं तो इंडिया के बाहर भी करूंगी, अब ये वाली चीज़ क्या मैं प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में मैनेज कर पाऊंगी क्या, नहीं। तो इस केस में मुझे क्या करना चाहिए, एक कंपनी बनाना चाहिए। आइए बात समझ में। चलो अब अगला वाला कौन सा है इसमें, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप। बताओ कंपनी के केस में क्या ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है। ओनरशिप का मतलब कंपनी के केस में क्या होता है, आपके शेयर्स। और कंपनी का एक बहुत ही प्यारा फीचर है कि यहाँ पे शेयर्स क्या होते हैं, फ्रीली ट्रांसफरेबल। फ्रीली ट्रांसफरेबल यानी मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। पर प्राइवेट कंपनी में तो कुछ और बोला था, क्या बोला था, वहां पे रिस्ट्रिक्शन था किस पे, राइट टू ट्रांसफर शेयर पे। तो क्या प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शन कहा था, प्रोहिबिशन नहीं। याद है ना दोनों का डिफरेंस। चलो बढ़िया, तो अब अपन समझ गए कि जो कंपनी में शेयर्स होते हैं ये सब कैसे होते हैं, फ्रीली ट्रांसफरेबल। अच्छा पार्टनरशिप की बात करें, यहां ओनरशिप चेंज हो सकती है, ट्रांसफर कर सकते हैं क्या, कर तो सकते हो, पर उसके लिए क्या लगेगी, फिर से सारे पार्टनर्स की कंसेंट। प्रोप्राइटरशिप में ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है क्या, जैसे मान लेते भव्य बन गया डॉक्टर, इसने अपना एक धंधा चालू करा था, छोटा सा क्लिनिक, ठीक है। भव्य सोच रहा है कि मैं तो सब त्याग के जा रहा हूँ, तो भव्य ने सोचा मैं अपने बच्चे को बोल दूंगा कि कल से बेटा तू आके काम करना, सारा काम संभाल लेना, कोई भी आए क्या करना है, बस एक इंजेक्शन लगाना और निकल जाना है। ऐसे हो पाएगा क्या काम, नहीं। तो अब अपन यहाँ समझ गए, प्रोप्राइटरशिप में वो अकेला बंदा क्या कर रहा था, धंधा कर रहा था, और वो ऐसे उठा के ये चीज किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। समझे यहाँ तक अपन ये। चलो अब नेक्स्ट चीज कौन सी, यहाँ पे मैनेजरियल नीड्स। अब अगर आपका बिजनेस बहुत सारे अलग अलग एरियाज में काम कर रहा है, तो आपको वहां पे क्या लगेगी, मैनेजरियल नीड्स ज्यादा रहेंगे, मतलब आपको कोई मैनेजमेंट का बंदा लगेगा। और वहीं अगर आपको इतने अलग अलग डाइवर्सिफाई काम नहीं करने, तो उस केस में आपके लिए कौन सा अच्छा ऑप्शन है, फिर प्रोप्राइटर, ठीक। अगली बात आती है सीक्रेसी की। सीक्रेसी का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ सीक्रेट रखना है, ठीक है। सबसे ज्यादा सीक्रेसी कहाँ हो सकती है, ठीक है। चलो तो सबसे ज्यादा सीक्रेसी किधर पॉसिबल है, सोल प्रोप्राइटरशिप में, क्योंकि यहाँ एक अकेला बंदा है, वो अपनी बातें अपने तक रखता है, किसी के साथ में शेयर नहीं करता है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं कंपनी या फिर पार्टनरशिप की, इधर सीक्रेसी होगी क्या, नहीं। अच्छा कंपनी के केस में तो बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि सरकार ने क्या बोल के रखा है, आपको पूरी ट्रांसपेरेंसी रखनी, मतलब जो भी कंपनी करती सीधे किसको बताती, जाके आरओसी को, और अगर लिस्टेड कंपनी है तो किसको बताती है, स्टॉक एक्सचेंज या फिर सेबी। आई बात समझ में आता थी। अब आखिरी पॉइंट इसमें अपना आता है कौन सा, इंडिपेंडेंस, तुमको चाहिए फुल आजादी। तो कौन सा अच्छा ऑप्शन है, प्रोप्राइटरशिप या फिर ओपीसी, क्योंकि अकेले हैं तो क्या गम है ना, अकेले हैं तब तक क्या अपन आजाद हैं, मगर जैसे ही कोई साथ में टंग गया फिर अब क्या हो गया, अब वो आजादी खत्म, ठीक है। तो प्रोप्राइटरशिप सबसे बेस्ट, अगर आपको क्या चाहिए, इंडिपेंडेंस। हालांकि कंपनी की बात करें तो यहाँ पे तो बिल्कुल भी आजादी नहीं है, क्योंकि हर वक्त सिर पे कौन सवार है, सरकार, ठीक है। चलो यहां तक समझ गए सब, हेलो प्रतीक। चलिए अब लास्ट टॉपिक कौन सा अपने पास में, कंपनी इज अ चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टार्टअप्स। अब ये बता रहे हैं कि आजकल ये जो स्टार्टअप का इतना कल्चर चल रहा है, तो स्टार्टअप्स वाले यूजुअली किसको प्रेफर करते हैं, कंपनीज को। ऐसा क्यों हुआ होगा, पर प्रोप्राइटरशिप ले लेते ना और इजी पड़ता, बट स्टार्टअप वालों को हर जगह क्या चाहिए, पैसा। शार्क टैंक देखा अपन सब ने, हर बार ये स्टार्टअप वाले आके क्या कर रहे हैं, पैसे ही मांगते रहते हैं कि भैया पैसे दे दो, इक्विटी ले लो। पैसे मांगने जा तो रहे हो, पर प्रोप्राइटरशिप वाले को कोई ऐसे उठा के पैसे देगा क्या, नहीं। इंसान किस पे भरोसा करता है, कंपनी पे। तो स्टार्टअप वाले भी किसकी तरफ ज्यादा झुकाव रख रहे हैं अपना, कि हम जब भी अपना धंधा चालू करेंगे हम कौन से फॉर्म में करें, कंपनी फॉर्म। आई बात समझ में ये। चलो तो इससे क्या अलाउ जाएगा, सबसे पहले तो इनको आउटसाइड फंडिंग मिल जाएगी, दूसरी चीज इनकी लाइबिलिटी भी कैसी रहेगी, लिमिटेड। प्लस स्टार्टअप है, बार बार एम्प्लॉय चेंज होते तो दिक्कत होती, तो ये अपने एम्प्लॉयज को क्या कर सकते हैं, कंपनी के शेयर्स भी ऑफर कर सकते हैं, ईसॉप वगैरह। चलो और नेक्स्ट चीज क्या है, देखा जाए तो पार्टनरशिप और एलएलपी के कंपैरिजन में ज्यादा भरोसेमंद कौन है, कंपनी। चलो यहां तक समझ गए अपन। अब यहां तक अपन ने पूरा देख लिया, ये अपना फर्स्ट वाला चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। ओल्ड हो या फिर न्यू हो, सबका ये सब कुछ सेम था, ठीक। चलिए
अब अगला अपन जो पढ़ेंगे वो कौन सा अपना, चैप्टर नंबर 7, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। मतलब अभी तक जो जो सब अपन ने टॉपिक पढ़े हैं इन्हीं सब को क्या करना है, अपन को डिटेल में एक एक करके देखना है। ठीक है, चलो एक चैप्टर खत्म करा है, 2 मिनट का गैप रख लेंगे। चलो लाइव वाले जब तक बता दो, यहां तक सबको क्लियर है? पानी वानी पी लो सब लोग, बढ़िया, पानी ही पीना है उसके अलावा और कुछ नहीं। चलो बढ़िया बढ़िया, सबको क्लियर हो गया है। बेटे तो पूरे कंप्लीट नोट्स है, इसके पीडीएफ का क्या करोगे अब? तो जो भी नोट्स या जो भी आपके पास मॉड्यूल वगैरह है उसी को खोल के बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपन ऑलमोस्ट पूरा सब कवर करने की कोशिश कर ही रहे हैं। चलो यहाँ तक सबको समझ में आ गई बात? ठीक है, अब ये जो अपने बीच बीच में 2-2 मिनट रहेंगे इसका अपन यूटिलाइज करते हैं उसको। थोड़ा थोड़ा सा मैं तुमको आंसर की टिप्स बीच बीच में देती रहूंगी। तो अभी जो अपने खाली के 2 मिनट्स आए हैं इसमें तुमको सबसे पहले बता देती हूँ, जब भी अपन एग्जाम में आंसर लिखते हैं तो हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए? कंटेंट पे। ठीक है, तुम अगर सोचो कि अगर वो ग्रेजुएशन वाली एग्जाम जैसे अपन यहाँ पे कुछ भी बकवास लिखते हैं ना, बस आंसर को बड़ा कर दें, तो ऐसे में मार्क्स नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो पहली चीज कंटेंट पे फोकस करना, और दूसरी चीज क्या है अपना प्रेजेंटेशन। कई बार जैसे अपन देखते हैं कुछ लोगों की हैंडराइटिंग ऐसी होती है कि जिसमें क्या लगता है कि वो कुछ भी लिख लें पूरा आंसर सब एक समान लगता है, तुमने पैराग्राफ भी चेंज कर लिया होगा फिर भी वैसा फील ही नहीं होता कि पैराग्राफ चेंज हुआ। तो अब ऐसे केस में अपन क्या कर सकते हैं, एग्जाम के पूरे पैसे भरे अपन ने, वहां कॉपी में कंजूसी मत करो, आंसर लिख रहे हो पैराग्राफ चेंज करा एक लाइन छोड़ दो, थोड़ा सा काम साफ सुथरा दिखेगा। पॉइंट्स लिख रहे हो तो पॉइंट्स में भी एक एक लाइन छोड़ के लिखो। अच्छा, जब भी अपन पॉइंट्स लिखते हैं हमेशा अपना फोकस क्या होना चाहिए, पॉइंट्स के अपन पहले एक हेडिंग दिया करें और हेडिंग के बाद अपन क्या करें उसमें 2-3 लाइन का कंटेंट्स रखें। ठीक है, तो ये हमारा मेन फोकस होना चाहिए। इसके अलावा जब अभी से अपन आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे तो अपना एक फोकस क्या होना चाहिए, जो जो अपने की वर्ड्स उसको अपन हमेशा क्या करें, डबल अंडरलाइन। डबल अंडरलाइन करने से क्या होगा, जो अपना मेन सबसे मेन चीज थी आंसर की वो क्या हो जाएगी, हाईलाइट। अब वो अपनी टूटी फूटी इंग्लिश ऐसे केस में क्या हो सकती है, इग्नोर। तो ये चीजों का अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, ओल्ड पेपर का सिलेबस इजी आएगा क्या? अब ये तो इंस्टीट्यूट जाने अपन कुछ बोल नहीं सकते, जिंदगी में छोकरी और इंस्टीट्यूट का कभी भरोसा नहीं करना बेटा। चलो यहाँ की छोकरियां बुरा ना माने, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। ठीक है, चलो अब बढ़े अपन नेक्स्ट वाले चैप्टर पे, ज्यादा बकवास करने का समय भी नहीं अपने पास में भी, अफसोस। चलो अब अगला वाला जो चैप्टर हो कौन सा है, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। चलिए जल्दी से बता दीजिए, अब सबसे पहले अपने पास आ रहा है क्या, पार्टनरशिप वाला पार्ट। अच्छा, पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? हाँ, आसान भाषा में मतलब समझा दो पहले, पार्टनरशिप का मतलब क्या हुआ? ठीक है, जब दो या उससे ज्यादा लोग एक साथ क्या हो गए, इकट्ठे हो गए, और उन्होंने क्या डिसाइड करा, क्या हो, अंताक्षरी खेले, फिर आओ लूडो खेले। नहीं, क्यों मिले थे ये लोग, क्या रीजन था इनके मिलने का, बताओ क्यों मिले थे ये? बिजनेस करने के लिए। ठीक है, और बिजनेस क्यों कर रहे थे? प्रॉफिट कमाने के लिए। अच्छा, और काम कौन करने वाला था, या तो सारे के सारे या फिर इनके बिहाफ पे कोई एक। तो अब यहीं से अपन समझ गए पार्टनरशिप का मतलब। पहली चीज, टू और मोर पर्सन एंटर हुए हैं एक साथ, क्यों क्यों एंटर हुए, फॉर बिजनेस। अच्छा, बिजनेस करने का मोटिव क्या था, प्रॉफिट कमाना, और इसके लिए क्या करने वाले हैं, या तो सारे पार्टनर्स काम करेंगे या फिर इनमें से कोई एक। तो अपन वो बोलते हैं ना, वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर सारे के सारे पार्टनर्स काम करेंगे। ठीक है, अब अगली चीज यहाँ पे अपन को देखना है, पार्टनरशिप में मिनिमम कितने लोग होते हैं? मिनिमम 2 लगेंगे, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50। ये बात समझ में आ गई? ठीक, अब अगली चीज क्या बताई यहाँ पे, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। अच्छा, अभी जो अपने डेफिनेशन पढ़ी ना, आधे फीचर्स अपने इसी में से कवर हो गए। सबसे पहला, पार्टनरशिप कैसे बनता है, एक एग्रीमेंट के थ्रू। जब तक दोनों लोग अग्री नहीं करेंगे क्या पार्टनरशिप बन पाएगी क्या, नहीं। ठीक है, दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बिजनेस का होना। बिजनेस का होने से मतलब क्या है, इनका काम इकट्ठे होने का मकसद क्या था यहाँ पे, बिजनेस करना। ठीक है, मतलब क्या ये चैरिटी के लिए पार्टनरशिप बना सकते हैं क्या, नहीं।
ठीक है। दूसरी चीज क्या बताई यहाँ पे, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। दूसरी अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है इनका, प्रॉफिट का शेयर करना। ठीक है, अच्छा ये प्रॉफिट लॉस कैसे शेयर करते हैं, इक्वली। अब वो पढ़ा था बचपन में कुछ, PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, में जितना इनका रेशियो डिसाइड हुआ उतने में क्या होगा, ये शेयर होगा। ठीक है, और क्या चीज है यहाँ पे, एजेंसी रिलेशनशिप, जिसको अपन और क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी यानी यहाँ पे इन्होंने एक चीज बता दी, पार्टनरशिप मे बी कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सारे के सारे काम करेंगे या फिर क्या होगा, वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर कोई एक सबके बिहाफ पे काम करेगा। अच्छा, पर जब एक काम कर रहा है सबके बिहाफ पे मगर बाइंड तो क्या हो जाएंगे, सारे के सारे। ठीक है, अगली चीज क्या बताई यहाँ पे, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या हुआ, अगर फर्म को कोई भी नुकसान होता है, इस चीज की लाइबिलिटी सीधे किसके माथे आ सकती है, पार्टनर के ऊपर भी, मतलब पार्टनर यहाँ पे पर्सनली भी लाइबल होता है। ठीक है, अगली चीज क्या बताई यहाँ पे, कॉमन मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पार्टनर्स को मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होना है, यहाँ पे अपन ने देखा था वो वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल भी हो सकता है। ठीक है, अगली चीज क्या बोली है, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। मना कर दिया क्या शेयर ट्रांसफर करने से, फिर से ध्यान दो वर्ड्स पे, रिस्ट्रिक्शन बोला है, मतलब शेयर ट्रांसफर करना है तो कैसे हो पाएगा, सिर्फ और सिर्फ बाकी सारे पार्टनर्स की कंसेंट लेके। ठीक है, चलो अब अगली चीज क्या बता रहे हैं यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन। अच्छा, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी या ऑप्शनल है, ऑप्शनल होता है, और कराना है तो फिर करा लो, पर कहाँ कराओगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, और लास्ट चीज क्या बोली है, ड्यूरेशन, अगर पार्टनर खत्म तो पार्टनरशिप भी खत्म। ठीक है, चलिए अब अपने पास जो आ रहे हैं दो टॉपिक, एक आएगा टाइप्स ऑफ पार्टनर्स और दूसरा क्या आएगा यहाँ पे, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर के प्रकार और पार्टनरशिप के प्रकार। सबसे पहला इसमें अपन स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप के टाइप्स। सबसे पहली कौन सी बता के रखी अपन को, अच्छा पहले इजी वाली देख लेते अपन, पर्टिकुलर और फिक्स वाली। अच्छा, फिक्स ड्यूरेशन की पार्टनरशिप का मतलब क्या हुआ, मैंने शिवम के साथ में पार्टनरशिप करी, ठीक है, अब मैंने इसको बोल दिया कि अरे शिवम को मैं एक साल से ज्यादा झेल नहीं सकती हूँ, तो मैंने इसके साथ पार्टनरशिप कर ली, कितनी, एक साल की, तो हमारे एग्रीमेंट में लिखा गया पार्टनरशिप कैसी, फॉर अ फिक्स ड्यूरेशन। अच्छा, जहां एक साल खत्म वैसे ही क्या हो जाएगा, हमारी पार्टनरशिप भी खत्म। बात समझ में आ गई यहां तक की, चलो अब अगली कौन सी आती है अपने पास में, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है मेरे को लगा ये सीएस में इतना स्कोप दिख नहीं रहा, कमाई अच्छी आ नहीं रही, तो मैंने सोचा चलो अपन ये कंस्ट्रक्शन के काम में लग जाते हैं। मैंने शिवांश को भी बुला लिया, आज अब भाई अपन एक काम करते, क्या करते हैं, स्टार्ट करते अपने सड़क बनाने का काम। ठीक है, अब हमने पार्टनरशिप क्यों करी थी, सड़क बनाने के लिए, जहां सड़क बन के खत्म वैसे हमारी पार्टनरशिप भी खत्म, तो ये कैसी थी पार्टनरशिप, फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर, और जहां ये वेंचर खत्म वैसी पार्टनरशिप भी खत्म। ठीक, अब एक कौन सी बस्ती अपने पास में, पार्टनरशिप एट विल। एट विल का मतलब क्या होता है, विल यानी इच्छा, मतलब अब अगर किसी को पार्टनरशिप खत्म करनी है, हमने कोई ड्यूरेशन कोई पर्टिकुलर वेंचर फिक्स नहीं करा, जिसकी जब इच्छा होगी वो क्या करेगा, एक नोटिस दे देगा कि भैया नहीं जम रहा, अब इसको खत्म करो। आई बात समझ में ये, तो यहाँ पे क्या करेगा, अगर किसी भी पार्टनर को ये पार्टनरशिप को खत्म करना है तो उस चीज का क्या दे सकता है, नोटिस। डन यहाँ तक, तो ये थे अपने तीन टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। विनय पार्ट भी अपन पार्ट ए के बाद में करेंगे, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आपको उसका। चलो अब अगला कौन सा था अपने पास में, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स के टाइप्स कौन कौन से, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन इसमें कोई सा इजी सा देखते हैं, इजी कौन सा अपने, एक्टिव और स्लीपिंग। सबसे पहले एक्टिव पार्टनर यानी जो बहुत एक्टिवली काम करता है, मतलब डे टू डे सारे अफेयर्स को मैनेज कर रहा है, और स्लीपिंग पार्टनर जो मस्त ना धो के सुबह आता है और ऑफिस में आके सो जाता है, वो स्लीपिंग होगा क्या, नहीं। स्लीपिंग का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ऐसा कोई पार्टनर जो कि डे टू डे अफेयर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, मगर वो उसके अलावा क्या कर रहा है, कैपिटल लगा देगा, प्रॉफिट एंड लॉस को भी वो क्या कर देगा, शेयर कर देगा। आई बात समझ में, चलो अब अगली कैटेगरी कौन सी आई अपने पास में, कुछ अदर प्रजाति भी अपने पास में पार्टनर्स की। कौन कौन से हैं ये, एक तो नॉमिनल है, एक होल्डिंग आउट और एक माइनर है। पहले मेरे को बताओ ये माइनर कौन होता है, छोटा बच्चा है ना, चलो कौन होता है, छोटा बच्चा जो 18 से कम हो। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, क्या माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है, क्या बनाया जा सकता है, अभी एक दूंगी ना इसे, माइनर को पार्टनर नहीं बना सकते, पर उसको अपन क्या कर सकते हैं, बेनिफिट्स के लिए एडमिट कर सकते हैं। किसने बोला ऐसा, दुष्यंत सर ने,
हाँ उन्होंने ही बोला था JIGL में। अच्छा, ये दुष्यंत सर ने नहीं कहा था, दुष्यंत सर ने कहा देख के कहा था, दुष्यंत सर ने पढ़ा था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और साथ में एक और क्या पढ़ा था उन्होंने, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वहां से उन्हें पता चला और उन्होंने तुमको बताया कि यहाँ पे एक माइनर को पार्टनर नहीं बनाया जा सकता है, पर हम चाहें तो उसको क्या कर सकते हैं, बेनिफिट्स के लिए एडमिट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब तो यहां पर समझ गए, माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर बट ही कैन बी एडमिटेड फॉर बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। चलो अगली चीज क्या बोली यहाँ पे, नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, तो उसको अपन ने कैसे याद रखा था, ये कौन था अपना, नाम का पार्टनर था। जैसे कि मुझे चालू करना था एक धंधा, पर अभी मेरे को ऐसा लग रहा था मेरे इतने कॉन्टेक्ट तो है नहीं, तो मैं चली गई अपने वही बचपन के दोस्त के पास में जिनका नाम क्या था, अंबानी जी। तो मैं अंबानी जी के पास गई, मैंने उनको बोला एक काम करो ना यार, आपका नाम इस मेरे धंधे के नाम में लगवा दो, आपका नाम देख के क्या हो जाएगा, लोग मेरे पास आ जाएंगे और मेरे साथ धंधा कर लेंगे। ठीक है, क्या अंबानी जी वा क्या मेरा रोज काम भी करेंगे क्या, नहीं नहीं यार उनका खुद का भी काम है, तो मैंने बोल दिया काम करो, आप काम मत करना, आप अपना धंधा संभालो। अच्छा, क्या ये मेरे से प्रॉफिट भी मांगेंगे क्या, इनको क्या जरूरत प्रॉफिट की, इतना पैसा इनके पास में, तो इनको प्रॉफिट का भी कोई लालच नहीं है। अच्छा, पर एक चीज समझो, कोई अगर अंबानी जी के नाम पे भरोसा करके मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ऐसे केस में क्या अंबानी जी की लाइबिलिटी आ जाएगी क्या, बिल्कुल। अगर कोई उनके भरोसे पे आके कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उस केस में हमने क्या बोला कि ये थर्ड पार्टीज के लिए लायबल हो जाएंगे। तो अब अपन क्या समझे यहाँ पे, नॉमिनल पार्टनर का मतलब जिसका बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसने खाली क्या करा, अपने नाम लैंड कर दिया है, उसने कोई कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करी, उसको कोई प्रॉफिट में हिस्सा भी भले ही नहीं मिल रहा हो, पर हमने एक चीज स्पेसिफाई कर दी कि ये थर्ड पार्टीज को तो लायबल होगा। आया समझ में आला। नेक्स्ट कौन सा अपने पास में, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। ये क्या है पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, कोई ऐसा पर्सन जो कि खुद को ऐसा रिप्रेजेंट करता है कि वो इस फर्म का पार्टनर है, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसने किसी और को अलाउ कर दिया ऐसा शो करने के लिए कि हाँ भाई ये कौन है पार्टनर है। जैसा वही अपना जेठालाल बागा वाला एग्जांपल, जेठालाल की दुकान पे कोई टीवी खरीदने आया, बागा मस्त टीवी दिखाने लग गया ऐसे जैसे कि तो उसकी खुद की दुकान है, जेठालाल ने भी नहीं रोका। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, पहली चीज बागा ने रिप्रेजेंट करा कि वो क्या इसमें पार्टनर ही है, दूसरा जेठालाल ने भी क्या शो कर दिया कि हाँ हाँ ये तो हमारा पार्टनर है, आप तो बिंदास डील करो उससे। तो ऐसे केस में क्या बाद में इस चीज से पलट सकते हैं क्या, नहीं। तो स्टॉपल का मतलब ही क्या होता है यहाँ पे, या होल्डिंग आउट का, स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग। एक बार आपने ऐसा रिप्रेजेंट कर दिया कि आप पार्टनर हैं, तो अब आप उस चीज से डिनाई नहीं कर सकते। आई बात समझ में, ये चलो डन यहाँ तक। तो ये थे अपने क्या पार्टनर्स के टाइप्स। अब फटाफट से मेरे को बता दो इसके फायदे नुकसान क्या है। पार्टनरशिप का फायदा क्या है, पहली चीज रिस्क शेयर हो गई, बहुत बढ़िया। अच्छा, थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी दूसरों की भी, तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, पूलिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। और क्या यहाँ पे, फॉर्मेशन इजी एज कम्पेयर टू कंपनी। ठीक है, मैनेजरल स्किल्स भी क्या हो जाएगी यहाँ पे, शेयर हो जाएगी, मतलब थोड़ा थोड़ा काम सब आपस में बांट लेंगे। नेक्स्ट, बिजनेस डिसीजन हमेशा कैसे होंगे, बैलेंस वाले। मैं अकेले फैसला लेती हूँ, हमेशा कुछ खराब फैसला ही लेती हूँ, पर अगर पार्टनरशिप में आ जाऊँ तो फिर हमेशा मैं किसी से सलाह मशवरा करके क्या करूँगी, डिसीजन यहाँ पे लूंगी। नेक्स्ट क्या होता है, रिस्क शेयर हो जाएगी। अच्छा, और क्या बोल रहे हैं, प्राइवेसी भी रहेगी। प्राइवेसी कौन सी वाली है, हमको किसी के पास में भी जाके हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स पब्लिश नहीं करने, ये किसको करने पड़ते हैं, कंपनी को। आई बात समझ में। और लास्ट कौन सा बोला, डिविजन ऑफ वर्क, सारे पार्टनर्स के बीच में क्या हो जाएगा, काम डिवाइड। नेक्स्ट, नुकसान क्या क्या है पार्टनरशिप के, सबसे पहला तो नुकसान किसी के साथ काम करने का, झगड़ा है ना। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे डिसहारमोनी की रिस्क है कि कभी कोई डिसीजन लेना उस समय क्या हो सकते हैं, इनके बीच में खूब सारे झगड़े हो सकते हैं। अच्छा, ये झगड़े के चक्कर में हमेशा डिसीजन क्या हो जाएंगे, डिले, तो यहाँ पे डिसीजन कभी भी क्विक नहीं हो पाता। नेक्स्ट, अनसर्टेनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस। अनसर्टेनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस मतलब अगर पार्टनर को कुछ हो गया, सीधा असर किस पे पड़ने वाला है, पार्टनरशिप फॉर्म पे, क्योंकि इनकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। नेक्स्ट चीज क्या बताई, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये तो सबसे बड़ी दिक्कत थी कि यहाँ पे कुछ भी हो जाए तो बेचारा पार्टनर क्या हो जाता उस केस में, पर्सनली लाइबल। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला, यहाँ पे पैसा लगाना बहुत आसान है, जब आप पैसा लगाओगे तब कोई सवाल नहीं करेगा, पर जब वही पैसे को आप निकालना चाहोगे तो आपको क्या लगेगी, सारे पार्टनर्स की कंसेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला इसमें, अच्छा जब कोई बैंक में लोन लेने जाएगा, मैं वहां जाके बोलूं मेरी पार्टनरशिप फॉर्म है, तो क्या इनको लोन देना पसंद करेंगे क्या ये, नहीं। अच्छा, मैं बोलूं मेरी कंपनी, तो अभी बैंक तुरंत क्या कर लेगी, भरोसा कर लेगी। तो यहां अपन क्या समझे, इधर इनके पास में क्या हो रहा है, लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस। ठीक, और साथ में पब्लिक ट्रस्ट भी इनका क्या रहेगा, कम। ठीक, चलो तो यहां तक अपने क्या थे इसके फायदे और नुकसान। अब अगली चीज यहां पे क्या आती है, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है,
ये एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन पार्टनर्स, ठीक है। क्या कंटेंट्स होते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट के? चलो सबसे पहले बताओ, पार्टनरशिप से रिलेटेड क्या क्या चीजें आएंगी? फर्म का नाम, उसका एड्रेस, और कितनी टोटल उसमें कैपिटल है, और किस नेचर का पार्टनरशिप है, क्या काम करने वाले हैं, अच्छा कैसी टाइप की पार्टनरशिप है, फिक्स वाली, पर्टिकुलर है या फिर एट विल है, ये सारी चीजें लिखेंगे। चलो फिर नेक्स्ट चीज, अब बताओ पार्टनर से रिलेटेड क्या क्या आएगा? पार्टनर का नाम, उनका एड्रेस और उनकी पूरी लिस्ट, किसने कितना पैसा लगाया, किसकी क्या ड्यूटी, किसके क्या राइट्स, और अच्छा किसी ने कुछ विड्रॉ करा, उनकी ड्रॉइंग्स कितनी, किसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये सब चीजें कहाँ लिखने वाले अपन इस डीड में? तो ये सारे क्या हो गए अपने इस डीड के कंटेंट्स, ठीक है। अच्छा पार्टनरशिप डीड बना लोगे उसका क्या फायदा होगा? वहां पे प्रॉफिट लॉस रेशियो लिखा है, एक लिखी हुई चीज हो गई। दूसरा, कभी भी झगड़ा होगा तुम सीधे बोल सकते हो ना, भाई जाके देख ले डीड में यही लिखा हुआ है, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। और अगली चीज क्या, कभी भी कोर्ट में केस फाइल किया जा सकता है, ठीक है। अब अगला इसमें आता है रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर। क्या है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस? छोटा सा प्रोसेस था अपना इसमें, चलो देख लेते फटाफट से क्या प्रोसेस था। इनको क्या करना पड़ेगा, प्रिस्क्राइब फॉर्म में, अब रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास में क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड तो उस केस में क्या कर लेगा, यहाँ पे पार्टनरशिप इनको रजिस्टर करके दे देगा, ठीक। चलो नेक्स्ट बताया कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करते तो उस केस में क्या होगा, किसी के ऊपर केस नहीं कर पाएंगे, बहुत बढ़िया। और उसके अलावा क्या बोल रहे हैं, कभी ये सेट ऑफ भी क्लेम नहीं कर सकते, ठीक। तो यहां तक अपना क्या था, ये पार्टनरशिप वाला पार्ट, बिल्कुल सही शंकर। चलो अब बढ़ते अपन नेक्स्ट वाले पे। अगला एक छोटा सा अपन कुछ उठा लेते हैं, टाइम ज्यादा नहीं बचा अपने पास में, कौन सा उठाया जाए, प्रोप्राइटरशिप उठा लेते अपन पहले। चलो प्रोप्राइटरशिप में क्या फायदे क्या नुकसान, फटाफट बताते जाओ, बताइए। प्रोप्राइटरशिप बनाना सबसे आसान तरीका है, ठीक है, डिसीजन भी कैसे हो जाएंगे, सबसे आसानी से लिए जा सकते हैं। और क्या फायदा है, सारा प्रॉफिट मेरा, और हाँ इनएक्सपेंसिव मैनेजमेंट है, अकेले मैं ही काम कर रही हूँ, किसी और को रखने की जरूरत नहीं, मतलब कोई खर्चा भी नहीं, ठीक है। फिर कॉन्फिडेंशियलिटी भी ज्यादा रहेगी क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन मेरे तक ही है और मुझे कहीं पे कोई अपलोडिंग भी नहीं करनी है, ठीक है। अगला काम क्या बताया, लेस पेपर वर्क, क्योंकि यहाँ रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स कैसी हैं, बहुत ही कम है, ठीक है। और टैक्स का भी बेनिफिट था, कैसे, बाकी सब में रेट्स कैसी थी, हाई थी, और यहाँ पे क्या थी, हमेशा कम थी, क्योंकि किसके साथ में क्लब हो रहा था, उसके खुद के पर्सनल रिटर्न के साथ। चलो नुकसान क्या क्या है, अकेले काम कर रहे मतलब मैनेजमेंट स्किल्स कैसी हो जाएंगी, लिमिटेड रहेंगी। दूसरी चीज, रिसोर्सेज भी कैसे इनके, लिमिटेड ही रहेंगे। इसके अलावा और क्या बताया, लाइबिलिटी कैसी हो जाएगी यहाँ पे, अनलिमिटेड, क्योंकि हर चीज के लिए लाइबल आप खुद हैं। अगली चीज क्या बोली, कंटिन्यूटी की दिक्कत है, अगर प्रोप्राइटर को कुछ भी होता है सीधा असर किस पे पड़ेगा, इसके धंधे पे। और लास्ट चीज क्या बताई, रिस्क इन डिसीजन मेकिंग, हमेशा जरूरी नहीं कि जो फैसला ले वो कैसा हो सही है। आया यहां तक समझ में? चलो प्रोप्राइटरशिप के रजिस्ट्रेशन का क्या तरीका है, अब यहां पे ऐसे कोई रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं होता है, बस हाँ कुछ स्टेट बेस्ड अगर आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए तो वो लेने पड़ेंगे। जैसे कि क्या क्या होते हैं, वो जॉब्स एंड एस्टेब्लिशमेंट हो गया, ट्रेड लाइसेंस हो गया, जीएसटी हो सकता है, और हाँ एमएसएमई वाला हो सकता है, हाँ कोई ट्रेडमार्क वगैरह, इनकी रजिस्ट्रेशन लेने, तो आईपीआर के भी प्रोटेक्शन ले सकते। आया यहां तक समझ में? तो ये सारा अपना क्या था, रिलेटेड टू सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक। चलो यहां तक सभी को डन है? ये दो अपने शायद बोलना चाहिए कोर्स के सबसे बोरिंग वाले चैप्टर्स थे, क्योंकि एकदम बचपन का बिजनेस स्टडीज याद आ जाता है इसको पढ़ के, आगे वाले टॉपिक्स थोड़े से ढंग के रहेंगे। चलो यहां तक सभी को डन है? कल अपना ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और चैप्टर एंड होने के बाद में मुझसे थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट पूछते रहना, तो जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते वो मैं बता दूंगी, ठीक। चलिए लाइव में सभी को क्लियर है यहां तक, जल्दी से एक बार बता दो, डन यहां तक सबको? बहुत शुक्रिया सुयश, बिल्कुल सही दीपराज, एक्सपेंशन में हमेशा इनको प्रॉब्लम आती है। अभी क्वेश्चन
नहीं बताएंगे क्योंकि अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। फर्स्ट चैप्टर में फैक्टर्स ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो फैक्टर्स में से हो सकता है कि वो कोई से भी बीच में से एक जो भी फैक्टर्स होते हैं उन पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे एक वो डिग्री ऑफ कंट्रोल वाला है, वो उनका फेवरेट रहा है, वो 2-3 बार एग्जाम्स में आ चुका है, तो वो कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उठा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि तुमको एक सिचुएशन देंगे कि किसी बंदे को बिजनेस चालू करना है, अब उसको तुम एडवाइस करो कि कौन सा फॉर्म उसके लिए सूटेबल है। तो अब उसके बिजनेस के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, उसको 3-4 ऑप्शन बता देंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप है, फिर एक पार्टनरशिप है, एक LLP और एक कंपनी है, तो उस अकॉर्डिंग अपन उसको बता सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में एक ही टॉपिक था, इसलिए उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बताने जैसा है नहीं, इसीलिए मैंने बोला था कि कल से मुझसे पूछ लेना क्योंकि कल अपना सेकंड चैप्टर ही अलग खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके प्रतीक, चलो सभी को बाय बाय। अपनी क्लास का टाइम अभी का ही था ना खत्म होने का, 40 तक का था। अरे यार मैं 30 समझी थी, तो फिर पढ़ लेते थोड़ा सा और। चलो जो भग गए हो आ जाओ वापस से, अच्छा याद आ गया सही टाइम पे, मुझे 11:30 लगा था। नहीं, बीच में अपना एक गैप आ जाएगा 19th का, इसलिए जितना हो रहा है खत्म कर लो अभी। चलो एक छोटा सा टॉपिक कोई से उठा लेते अपन, HUF देख लेते हैं। चलो क्या होता है ये HUF? अरे सॉरी लाइव वालों, धोखा दे दिया तुमको बाय बोल के। अभी थोड़ा सा अपन एक पढ़ रहे हैं एक टॉपिक और। हाँ, मैं भूल गई थी यार टाइम। चलो अब फटाफट से अपन देख लेते हैं HUF क्या था, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। पहली चीज बता देते हैं, इसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। ठीक है, अच्छा कौन चलाता है ये HUF? कर्ता चलाता है, वो कौन होता है? हेड ऑफ द फैमिली। ठीक है, और उसके अलावा जो बाकी के मेंबर्स हैं उनको क्या बोला जाता है? को पार्टनर्स। यहां तक बात समझे अपन? ठीक है, लाइबिलिटी को पार्टनर्स की कैसी होती है यहाँ पे? लिमिटेड। जबकि कर्ता की लाइबिलिटी यहाँ पे कैसी होती है? अनलिमिटेड। अच्छा सारे डिसीजन कौन लेता है? घर के बड़े लेते हैं, दैट इज कौन लेने वाला है? कर्ता। ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या है हमारे? कर्ता धर्ता। अब पहली चीज, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में अपन ने देख लिया, मैनेजमेंट पूरा किसके हाथों में? कर्ता के हाथ में है। नेक्स्ट चीज, यहाँ पे मेंबरशिप कैसे मिलती है? बाय बर्थ। अच्छा कोई ऐसे अप्लाई करता है क्या कि दादाजी को मेल लिख रहे हैं कि दादाजी आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर योर फैमिली बिजनेस? ठीक है, दादाजी ने भी रिप्लाई कर दिया, कल आ जाना ड्राइंग रूम में, तेरा इंटरव्यू सुबह 10 बजे, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं भाई, सिर्फ उस परिवार में क्या करना है? जन्म लेना है और यहीं से आप क्या बनना है? उसके मेंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है यहाँ पे? लाइबिलिटी। तो ये अपन ने डिस्कस कर ही लिया है, कर्ता के अलावा सबकी लाइबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड। तो इसका मतलब समझे दया, कर्ता की लाइबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड। ठीक, नेक्स्ट क्या बताया यहाँ पे? परमानेंट एग्जिस्टेंस। अच्छा फैमिली के कोई एक आध मेंबर निकल लिए, भगवान को प्यारे हो गए, तो उस केस में क्या धंधा बंद कर देंगे क्या पूरा? नहीं, फैमिली बिजनेस तो क्या है? चलता रहेगा, कोई जाता रहेगा और कोई नया पैदा हुआ तो वो आता रहेगा। नेक्स्ट क्या बता रहे हैं? माइनर ऑल्सो पार्टनर। अच्छा इस फैमिली बिजनेस में क्या बोला उन्होंने? माइनर भी पार्टनर हो सकता है, क्योंकि हमने क्या बोला था? जैसे ही वो पैदा हुआ वो क्या बन जाता है? यहाँ का मेंबर। ठीक है, लास्ट चीज क्या बोला? अगर इसको खत्म करना है तो कैसे कर सकते हैं? सारे लोग मिलकर इकट्ठे डिसाइड कर लें तो इसको खत्म कर सकते हैं। चलो क्या फायदे क्या नुकसान है HUF के? सबसे पहला, इसको स्टार्ट करना इजी है, बस एक परिवार चालू कर दो और उसके बाद क्या हो जाएगा? आपका फैमिली बिजनेस चालू। ठीक है, अगली चीज क्या बोली? एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। यहाँ पे सारी चीजें कौन मैनेज कर रहे हैं? घर के बड़े करता, मतलब वो एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे क्या होंगी? सारी चीजें अच्छे से मैनेज होती हैं। नेक्स्ट, सीक्रेसी रहेगी क्योंकि सारे डिसीजन कौन ले रहा है? करता, तो उसको किसके साथ शेयर करना नहीं करना है सब किसके हाथ में? करता के हाथ में। नेक्स्ट, डिसीजन लेता कौन है? करता, मतलब सारे डिसीजन कैसे होंगे? एकदम क्विक। इकोनॉमी, अच्छा घर में अपन देखते हैं जो अपने घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं और एक अपन जैसे लोग होते हैं। घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं हमेशा देखभाल के पैसा खर्च करते हैं, जबकि हम कैसे होते हैं? फिजूल खर्ची करने वाले। तो अगर घर में कर्ता पूरा बिजनेस मैनेज कर रहे हैं तो उस केस में क्या देखा जाएगा यहाँ पे? जो भी पैसा है वो हमेशा क्या करेंगे? एकदम कॉशियसली उसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या बताया उन्होंने? एक्सपांडेड लॉयल्टी एंड कॉपरेशन। अच्छा ये सब लोगों ने धंधा कैसा करा है? फैमिली वाला, फैमिली में प्यार मोहब्बत होती है, तो इनका कैसा चल रहा है धंधा? एकदम नेचुरल लव एंड अफेक्शन। ठीक है, चलो यहाँ तक की बात समझ गए अपन। अब नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे? लिमिटेशंस ऑफ HUF। लिमिटेशन का मतलब क्या हो गया अभी यहाँ पे? नुकसान क्या HUF के? पहली चीज क्या बोला इनके? लिमिटेड रिसोर्सेस है, मतलब जिसकी जितनी सेविंग वही क्या करेगा? बिजनेस में लगा पाएगा। अगली चीज क्या बोली? कर्ता बेचारा बिना बात का फंस गया क्योंकि इसकी लाइबिलिटी कैसी हो गई यहाँ पे? अनलिमिटेड। फिर
एक चीज दिक्कत ये भी हो सकती है ना कि हमने सारे डिसीजन किसके हाथ में सौंप दिए, कर्ता के हाथ में, तो हो सकता हो वो क्या करे, अपना एडवांटेज अपना फेवर देखने लगे। मतलब यहाँ पे कर्ता की क्या है, डोमिनेंस है, वो सारी चीजें क्या करेगा, अपने हिसाब से ही चलाएगा। नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या है, लिमिटेड मैनेजर स्किल्स। अच्छा, कर्ता के पास में सारी मैनेजर स्किल ही पॉसिबल है क्या? नहीं, वो सब काम में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट चीज क्या बोला, मिस यूज ऑफ पावर। ये करता चाहे तो क्या कर सकता है, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए भी पावर को मिस यूज कर सकता है। और लास्ट चीज क्या बोल रहे हैं, लिमिटेड मेंबरशिप। लिमिटेड मेंबरशिप का मतलब यहाँ पे कोई बाहर का बंदा मेंबर नहीं बन सकता है, खाली आप किसको ले सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स। ठीक है, चलो अब HUF का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो एक HUF डीड बनाई जाती है, जो कि कैसे बनती है, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट स्टैम्प पेपर पे निकाला जाता है। फिर यहाँ पे आप लिखते हैं कर्ता ऑफ एच यू एफ के बारे में, कि कर्ता कौन है, फिर मेंबर्स कौन कौन है, एच यू एफ का नाम क्या है, कितनी कैपिटल मिली, एक उसका रबर स्टैम्प बनेगा, और ये सब डॉक्यूमेंट्स की क्या होगी, नोटरी। और उसके बाद इनको क्या अलॉट होता है, पैन। और एक चीज इन्होंने यहाँ पे बता दी कि कौन बना सकता है एच यू एफ, हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स और सिख्स, सिर्फ यही क्या कर सकते हैं, एच यू एफ फॉर्म कर सकते। चलो यहाँ तक समझ गए पूरा सभी, तो यहाँ तक अपना ये पूरा पोर्शन खत्म हो गया है। एक चैप्टर तुम, एक क्वेश्चन तुम ले लो होमवर्क के लिए। अब अपना इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रस्ट और क्या बचा है, मेगा फॉर्म। ठीक है, मेगा फॉर्म ओल्ड वालों के लिए नहीं है। चलो होमवर्क का क्वेश्चन यहाँ दे देते हैं तुम्हें। चलो जल्दी से लिख लो। अरे लाइव वालों बतियाओ मत, जल्दी से लिख लो।
चलो क्वेश्चन लिख लिया, लिख लेना इसको। चलो पहले इसको पढ़ लेते हैं क्या बोला इसमें। नीरज वालिया इज हेड ऑफ फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ वाइफ एंड टू सन्स। नीरज वालिया क्या है, हेड ऑफ फैमिली थे, दो बच्चे हैं और एक वाइफ है, ठीक है, ध्यान दे देना, दो वाइफ और एक बच्चा नहीं है, ठीक। अब नाउ विथ हिज एंसेस्ट्रल वेल्थ, अब आगे क्या बोल रहे हैं, अपनी एंसेस्ट्रल वेल्थ के साथ में इन्होंने क्या सोचा कि ये अपना रियल एस्टेट का बिजनेस चालू करेंगे HUF के फॉर्म में। अब उन्होंने आपको अप्रोच किया है कि आप क्या करके दो उनको HUF डीड बना के दे दें। क्या बोलना है इनको, भैया टाइम नहीं है कल आना, बताओ क्या करना रहेगा इसमें HUF डीड में, क्या क्या लगेगा। अच्छा आंसर की शुरुआत करेंगे कैसे, पहले थोड़ा सा अपन इंट्रो दे देंगे HUF का, कैसे दोगे इंट्रोडक्शन HUF का। हाँ HUF इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हाँ थोड़ा सा उसमें एक्सप्लेन कर देंगे कि यहाँ पे सारा जो मैनेजमेंट होता है किसके हाथ में होता है, कर्ता के हाथ में, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज, जब भी HUF को अपन रजिस्टर कराते तो उसके लिए क्या बनती है, HUF की डीड, और उसके कंटेंट्स क्या होंगे। सबसे पहले आपको क्या बताना है, कर्ता का नेम, उसके अलावा क्या बताओगे, सारे मेंबर्स का नेम, ठीक है, उसके अलावा HUF किस नाम से चल रही है, और हाँ उसका रबर स्टैंप वगैरह वो तो सब रहेगा, और क्या चीज़ थी यहाँ पे, बिल्कुल कितना कैपिटल है। तो ये सब चीजें किस मायने वाली है, अपनी HUF डीड के कंटेंट्स में, तो उसको अपन ऐसा पॉइंट वाइज पूरा लिख देंगे, ठीक है। अब इसको लिख कैसे सकते हो, जैसे सबसे पहला पॉइंट क्या सोचा था अपन ने, कर्ता है ना, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे वहां पे हेडिंग में, कर्ता। अब उसके अंदर पॉइंट में क्या लिखोगे, जैसे मैं तुमको एक रफली समझा देती हूँ, जब अपन पॉइंट लिखेंगे कंटेंट्स ऑफ HUF डीड, पहला पॉइंट मैंने क्या लिख दी, हेडिंग कर्ता, ठीक है। अब इस कर्ता के अंदर मैं क्या लिखूंगी, एक छोटा सा एक दो लाइन का कंटेंट, तो अब यहाँ पे ऐसा लिख देंगे HUF डीड मस्ट मेंशन द नेम ऑफ कर्ता हु विल बी रिस्पॉन्सिबल अच्छा मैं यहाँ बार बार HUF लिख रही हूँ, ऐसा मुझे कब अलाउड होगा, जब मैं शुरू में ही क्या कर दूँ आंसर के इंट्रोडक्शन में बता दूँ कि HUF क्या है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और उसके बगल में ब्रैकेट में क्या लिख दूँ HUF, तभी मैं HUF बाद में यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। तो अब देखा जाए तो तुमने एक लाइन में बोला था कि कर्ता का नेम बताना है, अभी आंसर कितना छोटा दिखता अपना। अब ऐसा करने से क्या हो गया, एक हेडिंग लिख दी कर्ता, उसके अंदर कोई ऐसा एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लिखी, अपन ने क्या लिखा HUF डीड में किसका नाम होना चाहिए, कर्ता का, और कर्ता कौन है, वो जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मैनेजमेंट, आया समझ में। तो ये होती है अपनी निंजा टेक्निक आंसर को बड़ा करने की, ठीक। चलो नेक्स्ट पॉइंट और क्या बता दो, एक पॉइंट और लिख के बता दे तुमको, बोलो अगला कौन सा पॉइंट, HUF का नेम, ठीक है। अब इसको कैसे बड़ा करेंगे अपन, चलो देखते, द डीड मस्ट प्रोवाइड नेम ऑफ HUF अंडर विच एक नाम बताना पड़ेगा जिसके अंडर क्या होगा, रन होगा, ठीक है। चलो डन यहां तक, तो आज की सभा अपन समाप्त करते हैं, बाकी के पॉइंट्स ऐसे ही तुमको आगे लिखने हैं, समझ गए लाइव वाली जनता कैसे करना है। दो पॉइंट्स तुमको बता दिए हैं सैंपल के, आगे का तुमको खत्म करना है आंसर। मेरे को कितने अटेम्प्ट लगे थे एग्जीक्यूटिव में, एग्जीक्यूटिव में तो एक भी अटेम्प्ट नहीं लगा था, एक एक करके दिया था और हो गया था वो क्लियर। चलो अब अगली मुलाकात होगी अपनी कल, सभी को बाय बाय, ये वाला आंसर प्लीज कंप्लीट कर लेना ताकि कल वाला आंसर तुम कल कंप्लीट करो। चलो बाय बाय।